हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। तो पालक पनीर बनाने के लिए इसका जो ऊपर का भाग होता है, यानी कि जो मोटे मोटे डंठल होते हैं इसके, उसको हमने अलग कर लिया है। केवल हमने पत्तियाँ लिया है, एक गड्ढी के करीब ये पत्तियाँ हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, पानी में उबाल कर देंगे। एक उबाल, दो मिनट के लिए हम इसे उबाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। गैस पे मैंने पहले से ही पानी चढ़ा दिया था। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच चीनी ऐड कर दे रहे हैं। ज़्यादा भर के चीनी मैंने नहीं लिया है, छोटी चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पालक को। पालक को डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट तक इसे उबालना है, ज़्यादा हमें ओवर कुकिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। इसे हम फटाफट ठंडे पानी में निकाल ले रहे हैं, यानी कि यहाँ बर्फ़ वाला मैंने पानी लिया है। फटाफट इसमें हम निकाल लेते हैं। अब फटाफट इस पानी से हम निकाल लेते हैं ठंडे पानी में और मिक्सी जार में डाल देते हैं। तो मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और 2 हरी मिर्च। इसे हम, तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से पीस लिया है, इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 लौंग लिया है, छोटी मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 रेड चिली साबुत, और ये 1 तेज़पत्ता मैंने लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस कर लिया है लहसुन। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लेते हैं इस तरह का एक पैन, और पैन को हम गैस पर चढ़ा दिए हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम यहाँ ऑयल डाल दे रहे हैं। और घी और ऑयल को गर्म होने देना है। तो ऑयल और घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 2 लौंग, यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा, और ये हो गया साबुत रेड चिली। यहाँ पर तेज़पत्ता में डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन और हरी मिर्च को। सारी चीज़ों को डाल के हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। आधी छोटी चम्मच जीरा भी हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि जीरा मैंने डालना भूल गया था। मैं इसे डाल के एक तरफ से भून लेती हूँ अच्छे से। तो लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज को। प्याज को भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज तो हमारा अच्छे से भुन चुका है, काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, पूरे किचन में महक चुकी है। तो हम डाल देते हैं इसमें टमाटर, और टमाटर के साथ हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो 1 मिनट के लिए सिर्फ हमें लीड लगा देना है इसमें। तो 1 मिनट हो चुका है, हम चेक कर ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में।
तो इसमें हम कुछ डाल देते हैं मसाले। यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि ये छोटी चम्मच है तो इसका दो चम्मच मैंने ली हूँ, और एक चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटर और प्याज के साथ मसालों को भी अच्छे से हम भून लेते हैं। यहीं पर हम डाल दे रहे हैं दही। दही को हम तीन चम्मच ऐड करेंगे और मसालों के साथ अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और हमारे हस्बैंड जी भी पूजा कर चुके हैं, हमें अच्छे से भूनना है इसे, क्योंकि मसाले जो हैं ऑयल को रिलीज कर लेंगे दही के साथ। इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब एक मिनट के लिए हम लीड लगा दे रहे हैं। यहाँ पर लीड लगा दिए हैं केवल एक दो मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है, एक से डेढ़ मिनट हो चुका था। इसे हम भून लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पालक वाला जो पेस्ट मैंने तैयार किया था, उसे भी ऐड कर दे रहे हैं, और साथ में अच्छे से भून लेते हैं पालक को भी अच्छे से। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहीं पर हम डाल देते हैं जो पानी हमें ऐड करना है, जितनी भी ग्रेवी हमें गाढ़ी रखनी है। अभी से हम पानी के साथ इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो उसी मिक्सी जार से हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी हमें गाढ़ी रखनी है। तो बस ग्रेवी हमें इतना ही रखना है, थोड़ा पकने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम ढक देते हैं, ढककर अब इसे पकने देना है। साथ में थोड़ा सा मलाई ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर घर का मैं मलाई यूज कर रही हूँ, ये घर का मलाई है, अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देते हैं वापस से। ग्रेवी जब तक पकेगी हम यहाँ पर पनीर को काट लेते हैं। लेते हैं इस तरह का पैन, पैन में हम डाल देंगे एक चम्मच के करीब देसी घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें हम डाल देते हैं पनीर के क्यूब्स। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है इसे, हल्का सा बस फ्राई करेंगे। बस गैस को हम कर देते हैं बंद। यहाँ पर सब्जी को भी देख ले रहे हैं। तो आपको पूरा ढकना नहीं है किसी चीज़ से, इस तरह से लगा के तभी ढक्कन को बंद करिएगा ताकि जो भाप निकले उसमें पानी ना जमे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है।
और आप इसमें हम डाल देते हैं इस पनीर के क्यूब्स को और धीरे धीरे मिलाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे हमें मिलाना है क्योंकि पनीर टूटे नहीं और अच्छे से इसे सब ग्रेवी के साथ मिक्स भी कर दे रहे हैं। तो फटाफट इसके तड़के की तैयारी कर ले रहे हैं। वापस उसी पैन को ले रहे हैं और गैस को ऑन कर रहे हैं। एक छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। बहुत थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे जीरा चुटकी भर और दो साबुत रेड चिली। हमें ज़्यादा जलाना नहीं है मिर्ची को। थोड़ी सी डाल दे रहे हैं कश्मीरी रेड चिली। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है क्योंकि ये जलने ना पाए कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा गैस। फटाफट तड़का लगा देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और फटाफट निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी पालक पनीर रेडी। लीजिए हमारा पालक पनीर रेडी है। लाइट नहीं है गैस, इस वजह से थोड़ी सी कलर में चेंज दिख रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा ग्रीन आया है और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनी हुई है। अगर ये पालक पनीर की रेसिपी गैस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने कान्हा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।